नमस्कार दोस्तों, आप सभी का यह कैसे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज की वीडियो में बताऊंगा आप अपने मोबाइल या लैपटॉप से आधार कार्ड में मोबाइल नंबर कैसे चेंज कर सकते हैं। दोस्तों जैसे आपने आधार में कोई और नंबर ऐड कराए थे, बाद में आप नंबर चेंज करना चाहते हैं, तो वीडियो को देखते रहिए, स्किप मत करना, नहीं आप प्रोसेस समझ नहीं पाएंगे। दोस्तों चलिए देखिए लैपटॉप में आपको करके दिखाता हूँ। आप दोस्तों सेम प्रोसेस है, आप इसे मोबाइल में इसी तरह कर सकते हैं। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले आपसे यह कहना चाहूंगा, अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए, जिससे मेरी नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों चलिए सबसे पहले क्रोम ब्राउजर ओपन कर लेते हैं। क्रोम ब्राउजर ओपन हो गया, यहाँ पे देखिए सर्च वाले पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे सर्च करेंगे UIDAI। फिर यहाँ देखिए सर्च कर लेते हैं, फिर ऐसा पेज ओपन हुआ। दोस्तों यहाँ देखिए UIDAI.gov.in, यहाँ पे क्लिक करता हूँ। आधार कार्ड के देखिए ऑफिशियल वेबसाइट ओपन हो गई। यहाँ पे देखिए आप उसको माई आधार अबाउट UIDAI, देखिए सभी ऑप्शन शो कर रहे हैं। दोस्तों इस प्रॉब्लम के नीचे आते हैं। दोस्तों यहाँ पे देखिए ऑप्शन शो कर रहा है गेट आधार, और दोस्तों यहाँ पे और नीचे देखिए ऑप्शन शो कर रहा है देखिए बुक एंड अपॉइंटमेंट, यहाँ पे क्लिक करते हैं। फिर ऐसा पेज ओपन हो, दोस्तों आप देखिए इसके थ्रू देखिए ये कर सकते हैं, देखिए फ्रेश आधार एनरोलमेंट, नेम अपडेट, देखिए एड्रेस अपडेट, मोबाइल नंबर अपडेट, ईमेल आईडी अपडेट, डेट ऑफ बर्थ अपडेट, जेंडर अपडेट। दोस्तों देखिए यहाँ पे देखिए सभी अपडेट आप यहाँ से कर सकते हैं। और इसको अगर नीचे आते हैं, दोस्तों यहाँ पे ऑप्शन शो कर रहा है बुक एंड अपॉइंटमेंट एट UIDAI रन आधार सेवा केंद्र। दोस्तों यहाँ से देखिए अगर आप यहाँ से सर्च कर सकते हैं, अगर यहाँ पे है तो देख सकते हैं, अगर आपको यहाँ पे नहीं है तो चलिए बताता हूँ क्या करना है। दोस्तों अगर आपका शहर यहाँ पे आता है तो देख सकते हैं, क्योंकि सभी शहर यहाँ पे नहीं आते हैं। चलिए यहाँ से बैक आता हूँ, मेरा यहाँ पे जैसे नहीं आ रहा है। और यहाँ पे देखिए नीचे ऑप्शन शो कर रहा है प्रोसीड टू बुक अपॉइंटमेंट, यहाँ पे क्लिक करते हैं। फिर ऐसा पेज ओपन हुआ, देखिए सिलेक्ट रेसिडेंट टाइप, यहाँ देखिए इंडियन रेजिडेंट देते हैं। फिर यहाँ देखिए लॉग इन बाय, देखिए मोबाइल नंबर या ईमेल आईडी। दोस्तों मैं मोबाइल नंबर के थ्रू करना चाह रहा हूँ, तो यहाँ देखिए मोबाइल नंबर इंटर कर देता हूँ, जो अभी देखिए मौजूदा मेरा नंबर है उसको यहाँ पे इंटर करना है। मोबाइल नंबर इंटर करने के बाद देखिए नीचे कैप्चा का ऑप्शन शो कर रहा है, यहाँ पे देखिए कैप्चा को फिल करना है 3W3XC। फिर यहाँ देखिए सेंड ओटीपी पे क्लिक करते हैं। दोस्तों मेरे नंबर में देखिए ओटीपी आ गया, यहाँ पे इंटर कर देता हूँ, देखिए 42 86 91। फिर यहाँ देखिए सबमिट ओटीपी पे क्लिक कर देता हूँ। फिर ऐसा पेज ओपन हुआ, देखिए न्यू एनरोलमेंट और या देखिए अपडेट आधार। दोस्तों जैसे अपडेट आधार करना में, तो यहाँ देखिए अपडेट आधार पे क्लिक कर देते हैं। फिर नया पेज ओपन हुआ, देखिए इंटर डिटेल्स। दोस्तों यहाँ देखिए जो आधार में डिटेल है यहाँ पे इंटर करना है। यहाँ देखिए नेम एंड फुल नाम इंटर करना है। दोस्तों मैं अपना नंबर देखिए लिख दिया हूँ, यहाँ देखिए आधार नंबर, यहाँ पे क्लिक करके अपना आधार नंबर इंटर कर देता हूँ। फिर देखिए आधार नंबर भी लिख दिया हूँ, और यहाँ देखिए नीचे ऑप्शन शो करा है रेसिडेंट टाइप, यहाँ देखिए इंडियन रहने देता हूँ। और यहाँ देखिए कि आप इसमें चेंज करना चाहते हैं, क्या अपडेट करना चाहते हैं, देखिए नेम, जेंडर, डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, एड्रेस। दोस्तों जो आपको देखिए अपडेट करना है उसे कर सकते हैं। दोस्तों जैसे मुझे मोबाइल नंबर चेंज करना है, तो यहाँ देखिए मोबाइल नंबर पे क्लिक करता हूँ, फिर यहाँ प्रोसीड पे क्लिक करता हूँ, फिर यहाँ ओके कर देता हूँ। दोस्तों यहाँ पे देखिए अपडेट मोबाइल नंबर पे, यहाँ मोबाइल नंबर वाले पे हमें नया वाला मोबाइल नंबर इंटर करना है। फिर यहाँ देखिए मोबाइल नंबर इंटर कर दिया हूँ। फिर यहाँ देखिए सबसे पहले इंटर कैप्चा, यहाँ देखिए कैप्चा को इंटर कर देता हूँ। फिर यहाँ देखिए कैप्चा इंटर करने के बाद सेंड ओटीपी पे क्लिक करता हूँ। दोस्तों फिर मेरे देखिए नए वाले मोबाइल नंबर देखो ओटीपी जाए, तो उसको यहाँ पे इंटर करना 4890। फिर यहाँ देखिए वेरीफाई ओटीपी पे क्लिक करते हैं, सेव एंड प्रोसीड पे क्लिक करते हैं। फिर ऐसा पेज ओपन हो, देखिए अपडेटेड डिटेल्स, यहाँ देखिए रेसिडेंट टाइप शो कर रहा, देखिए मोबाइल नंबर देखिए मेरा नया वाला शो कर रहा। फिर यहाँ देखिए टिक कर देते हैं और फिर यहाँ सबमिट पे क्लिक करते हैं। फिर ऐसा पेज ओपन हुआ, देखिए योर एप्लीकेशन हैज बीन सबमिटेड, यहाँ देखिए योर एप्लीकेशन आईडी, देखिए AID ये आईडी शो कर रही है। दोस्तों देखिए ये मेरा सबमिट हो गया है। ये आईडी लेके हमें देखिए अपने देखिए आधार सेंटर पे जाना है। जैसे आपको नजदीकी आधार सेंटर आपको नहीं मालूम कहाँ पे है, तो यहाँ देखिए बुक अपॉइंटमेंट पे क्लिक कर देते हैं। फिर ऐसा पेज ओपन हुआ, यहाँ देखिए सर्च बाय सेंटर नेम, जैसे यहाँ देखिए इंटर सेंटर नेम, जैसे आपको सेंटर नेम मालूम है, यहाँ पे क्लिक कर देंगे। गेट डिटेल पे क्लिक करेंगे तो देखिए उसका एड्रेस आ जाएगा। और देखिए नीचे ऑप्शन शो कर रहा है सर्च बाय पिन कोड, आप ये देखिए पिन कोड के थ्रू भी सर्च कर सकते हैं। और नीचे देखिए ऑप्शन है स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, पोस्ट ऑफिस, ये देखिए सभी सिलेक्ट करके यहाँ भी देखिए डिटेल देख सकते हैं। दोस्तों देखिए मैं आपको पिन कोड के थ्रू चेक करके अगर दिखा देता हूँ, यहाँ इंटर पिन कोड पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे देखिए पिन कोड इंटर कर देते हैं 20 80 01। फिर यहाँ देखिए गेट डिटेल्स पे क्लिक करते हैं।
फिर ऐसा पेज ओपन हुआ दोस्तों, यहाँ देखिए एनरोलमेंट देखिए सेंटर यहाँ पे शो कर रहे हैं, देखिए चार देखिए सेंटर शो कर रहे हैं, और देखिए आप चारों को देख सकते हैं, जहां पे आपको जाना हो वहां पे देखिए बुक अपॉइंटमेंट पे क्लिक करना है, देखिए आपको अपॉइंटमेंट देखिए बुक हो जाएगा, फिर आपको उस डेट को वहां पे जाना होगा। चलिए मैं आपको चेक करके दिखा देता हूँ, तो यहाँ देखिए फर्स्ट वाले पे क्लिक कर देता हूँ दोस्तों, यहाँ से देखिए डेट सेलेक्ट कर सकते हैं दोस्तों, देखिए जहाँ पे रेड है देखिए यहाँ पे देखिए अवेलेबल नहीं है, जो जैसे जहाँ पे ग्रीन रहेगा तो अवेलेबल रहेगा, देखिए यहाँ पे देखिए नीचे शो कर रहा है ग्रीन और रेड, जैसे रेड रहेगा तो देखिए अवेलेबल नहीं है, अगर ग्रीन है तो अवेलेबल रहेगा दोस्तों। यहाँ पे देखिए रेड शो कर रहा है, ग्रीन कहीं नहीं शो कर रहा दोस्तों, यहाँ पे देखिए कहीं ग्रीन नहीं दिख रहा दोस्तों, क्योंकि अभी लॉकडाउन चल रहा है इसलिए अभी ग्रीन का ऑप्शन नहीं आ रहा है, थोड़े दिन बाद इसे करेंगे तो देखिए ग्रीन आ जाएगा। इसी तरह आप देखिए डेट सेलेक्ट करके आप वहां पे जाके अपना मोबाइल नंबर इसी तरह देखिए चेंज करा सकते हैं, वहां पे जाना है तो चार्जेस होंगे देना है, आपका देखिए मोबाइल नंबर चेंज हो जाएगा दोस्तों। इसी तरह आप लोग अपने मोबाइल से लैपटॉप से अपने आधार का मोबाइल नंबर चेंज कर सकते हैं दोस्तों। मेरी जानकारी आपको कैसी लगी लाइक कमेंट करके जो बताइए दोस्तों, अगर आपको और कोई जानकारी चाहिए कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं, मैं जरूर रिप्लाई दूंगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।